ओडिशा पाई बड़ सुजोग अनुगुल रे हेबो विश्वर सबुटु बड़ इस्पात कारखाना निवेश करिबो 1.2 लाख कोटी टंका मिलिबो 3,60,000 रोजगार ओडिशा पाई जेएसपीएल रो विजन 2030 कारखाना रे वार्षिक क्षमता रहिबो 25.2 न्यूटन टन फळरे विश्व इस्पात मानचित्र रे ओडिशा हेबो सबुटु बड़ ना एहा सह 12.5 न्यूटन टन क्षमता थिबा सीमेंट कारखाना मध्य प्रतिष्ठा हेबो राज्यर खणी और शिल्प मंत्री सह ऑनलाइन बैठक रे आलोचना करिछंती जेएसपीएल रो अध्यक्ष नवीन जिंदल Companies can invest into infrastructure, like maybe slurry pipelines or rail lines at OMC mines to reduce their logistics cost. So that also we are very encouraged by that. So we plan to come to you with some certain schemes with that. But sir, one very important thing is, you know, when we have such a grand plan to come invest in Odisha, build these most modern temples of India and set up the most modern steel plants, then some kind of, you know, you have to keep iron ore for the people who are setting up plants in Odisha. कारखानार संप्रसारण फळरे विश्वस्तरीय परिवहन भित्तिभूमि विकासरे पुंजी निवेश करिब जिंदल सेहिपरि राज्यरे अत्याधुनिक बंदर ओ एहाकु अनुगुल बडबिल पेलेट ओ रायगढ़ कारखाना सह संयोग करुथबा रेल लाइन निर्माण करिब कंपनी भारत सरकार की जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उनको पूरा मद्देनजर रखा जाएगा और जेएसपीएल ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि 60-70% स्टील जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी को इस्तेमाल करके बनाया जाए हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करके बनाया जाए इन्हीं सभी टेक्नोलॉजीज का आज ब्यौरा जेएसपीएल ने माननीय मंत्री श्री प्रफुल्ल मलिक माननीय मंत्री श्री देवशंकर मिश्रा जी माननीय चीफ सेक्रेटरी ओडिशा सरकार को दिया और उम्मीद है कि ये प्लांट एक सही रूप और वास्तविक रूप ले पाएगा और जेएसपीएल ओडिशा सरकार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भागीदार बनेगा जिससे हजारों और हजारों लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लाखों लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जिंदल रो पूंजी निवेश रु 60,000 रु अधिक प्रत्यक्ष और 3,00,000 रु अधिक परोक्ष रोजगार सृष्टि हेबो राज्य राजकोष को मध्य 7,500 कोटी टंकार राजस्व मिली पारिबो ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़